सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9, 10, 11, 12 के जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उन्हें परीक्षा देनी होगी, मूल्यांकन से गुजरना पड़ेगा। और जो मूल्यांकन होगी वह कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। और क्लास 9, 10, 11, 12 का जो मूल्यांकन का जो डेट है वो देखिए 15/5/2024, 16/5/2024, 17/5/2024, 17/5/2024, मतलब 9th क्लास का 15 तारीख को, 15 मई को, 10th क्लास का 16 मई को, 11 का 17 मई को और 12 का 17 मई को। समय क्या रहेगा परीक्षा का? 7:30 से 11:30 सुबह। और परीक्षा जो है वो मूल्यांकन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। और क्योंकि आपके विद्यालय में ICT लैब होगा और ICT लैब में एक इंस्ट्रक्टर भी होंगे जो आपको कंप्यूटर विषय पर पढ़ाने का काम करते होंगे, उसी से संबंधित ही यह परीक्षा होनी है। और जो परीक्षा होगी वो देखिए क्या इसका दिशा निर्देश है, से देखिए ऑनलाइन मूल्यांकन गूगल फॉर्म के माध्यम से ली जाएगी, जिसका लिंक जय गुरुजी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एक लिंक दिया जाएगा और उसी से आपको एग्ज़ाम देनी है। और एग्ज़ाम का जो समय है वो मात्र कितना समय है, आधा घंटा। प्रत्येक ऑनलाइन मूल्यांकन जो परीक्षा है वो 30 मिनट की होगी, मतलब आधा घंटा का। विद्यालय के द्वारा विद्यालय में क्रियाशील सभी कंप्यूटर का उपयोग छात्र छात्राओं का बैच बनाते हुए मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, ठीक है। ICT लैब के सभी कंप्यूटर में इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठना है और आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को भरना है, मतलब क्वेश्चन उसमें रहेगा, आप क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर उसका जवाब देंगे। और दो बैच के बीच 10 मिनट का समय का अंतराल होगा। इस तरह से आपको परीक्षा से गुजरनी है, कंप्यूटर संबंधी आपसे परीक्षा ली जाएगी गूगल फॉर्म के माध्यम से और आपको बैठना है। कौन कौन क्लास का? क्लास यहाँ है 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये इस क्लास के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाना भी ना भूले। बाकी आगे नियम है कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, है ना। आपका लास्ट में देखिए विद्यालय द्वारा प्रत्येक बैच का मूल्यांकन संबंधी टाइम स्टाम्प फोटो इस पर भेजना पड़ेगा, इस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब कि जो परीक्षा आप देंगे ना तो परीक्षा देते हुए आपका फोटो लिया जाएगा और इस जो ये वेबसाइट है तो इस पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अतः निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि में कक्षा 9 से 12 तक के 100% छात्र छात्राओं का कंप्यूटर विषय पर ऑनलाइन मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समन्वय व विद्यालयों को निर्देश दिया जाए, ठीक है। ऑर्डर आया है और कहाँ से ऑर्डर आया है? राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा कन्फर्म हो गया कि आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा जो विषय है वो क्या है, कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर विषय पर मूल्यांकन होगा। यहाँ देखिए ICT योजना से आच्छादित विद्यालयों में छात्र छात्राओं का कंप्यूटर विषय पर मूल्यांकन के संबंध में क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित मूल्यांकन होगा, मतलब परीक्षा से आपको गुजरनी है और आपको कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा देनी है ना। इसके लिए सभी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। 30 मिनट का परीक्षा होगी, मतलब आधा घंटा का, दो बैच के बीच। जैसे दो बैच क्या होगा, मान लीजिए कि कंप्यूटर कितना है 15 है और स्टूडेंट कितना है 30 है, तो दो बैच होगा ना, तो दो बैच के बीच कितना मिनट का समय रहेगा, गैप 10 लगता है, ठीक है। तो समय कितना बजे से, 7:30 से लेकर 11:30 तक, आधा घंटा का। 4 बैच भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। और सभी को परीक्षा देनी है, अपना बुद्धि को टेस्ट भी हो जाएगा कि हम कितना में कितना सही किए। अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं तो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कि आपको सफल होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ेगा, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, तो आप हमेशा तैयार रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए जिला में ये ऑर्डर निकल गया है कि आपको कराना है, राज्य स्तर का पत्र को देखते हुए जिला स्तर से भी ऑर्डर निकल गया है, मतलब परीक्षा निश्चित है। तो विद्यार्थियों मैं कहना चाहता हूँ कि इस तिथि को आप विद्यालय जरूर जाए और परीक्षा में शामिल होवे, जरूर से जरूर परीक्षा में बैठिए और अपना जो सही जो जानते हैं उसको आप गूगल लिंक
के माध्यम से जो आएगा गूगल फॉर्म में परीक्षा देने के लिए वो भरिए दीजिए, ठीक है। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।